बायो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, ट्वेल्थ के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो भी पढ़ेंगे ट्वेल्थ के लिए पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स को हिंदी में बोला जाता है जैव अणु। इसमें हमको चार चीज़ पढ़ना है, पहला कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और चौथा विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट जो है क्या लिखा हुआ है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है, यह लिखा हुआ है। या यौगिक वैसा यौगिक जो जल अपघटन कराने पर, यानी कि जल में डालेंगे तो उसका अपघटन होगा, ध्रुवन घूर्णन इकाइयां देता है। कैसे क्या देता है, ध्रुवन घूर्णन इकाइयां देता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये ध्रुवन घूर्णन इकाइयां, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग मेनली फोकस करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का जो होता है CHO, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है CHO, और कीटोन का क्या होता है CO, कीटोन का क्या होता है CO। इसको लिखेंगे एल्डिहाइड, ये क्या हो गया कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, एक से ज़्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी होगा और अल्कोहल वाला ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल, ठीक है। जिसमें क्या होगा एल्डिहाइड जुड़ा हुआ रहे और क्या रहे कीटोन जुड़ा हुआ रहे। इसके पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ। चलिए देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है CH2O के पावर n होल n। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है CH2O होल n, याद रखिएगा। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उन सब का ये फार्मूला होता है CH2O से, ठीक है, CH2O होल n, ठीक है। जैसे राइबोज है तो राइबोज में जो है फाइव कार्बन का होता है, फाइव कार्बन है, ठीक है। तो फाइव कार्बन है तो कार्बन कितना हो गया फाइव, हाइड्रोजन कितना, सॉरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसका दोगुना, है ना। CH2 है ना, तो कार्बन मान ले एक है तो हाइड्रोजन कितना है दो है, तो दोगुना है तो हाइड्रोजन कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना। और फिर ऑक्सीजन कितना है एक ही है, तो फिर ऑक्सीजन कितना हो गया, कार्बन कितना संख्या है फाइव, तो फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो राइबोज जैसे कि ऐसे मत समझिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए एन मान लेते हैं, एन बराबर क्या मान लेते हैं फाइव, एन बराबर क्या मान लेते हैं फाइव मान लेते हैं, ठीक है। तो एन को यहाँ लिखे CH2O हॉल फाइव कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा C5H10O5 आ गया ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया, राइबोज का। राइबोज जो शुगर होता है सिक्स फाइव कार्बन का होता है, राइबोज कितने कार्बन का होता है फाइव कार्बन का होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन है डी ऑक्सी राइबोज, है ना, डी ऑक्सी राइबोज। DNA में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में जो न्यूक्लिक एसिड है ना उसमें पढ़ेंगे, DNA में पढ़ेंगे, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहीं से आया डीऑक्सी,
डीऑक्सी में क्या होता है, ओएच एब्सेंट होता है, एक ओएच क्या होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है सी फाइव, यहाँ फाइव होना चाहिए था, ये नाइन हो जाएगा ना, एच नाइन ओ फोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी बताया मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कौन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है दो या दो से अधिक, है ना, पॉली मतलब दो या दो से अधिक। यहाँ हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी का मतलब OH, है ना, OH एल्कोहल, तो दो या दो से अधिक एल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अभी बताया था मैंने सूत्र क्या होता है CHO, और कीटोन्स का क्या होता है CO, है ना। एल्कोहल दो तरीके का होगा, एक डिग्री और दो डिग्री, ठीक है। अगर टर्मिनल पे होगा तो वो अल्कोहल जो हो गया, है ना, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, और बीच में होगा तो वो क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल। दो तरीके का अल्कोहल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में बताया था, है ना, अल्कोहल के बारे में, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, है ना, क्वार्टरनरी अल्कोहल नहीं होता है, सॉरी हाइड्रोजन बताया था, सॉरी वहाँ पर हाइड्रोजन बताया था। तो दो डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा हुआ रहेगा अल्कोहल तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ये दो डिग्री कार्बन हो गया, इससे अल्कोहल जो जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, है ना। और अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्कोहल तो उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। तो इसमें जो अल्कोहल पाया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में, ठीक है, तो इसमें दो तरीके का अल्कोहल पाया जाता है, एक एक डिग्री पाया जाता है और दो डिग्री पाया जाता है। तो एक डिग्री कहाँ होगा टर्मिनल पर होगा, और दो डिग्री कहाँ होगा बीच में होगा, ठीक है, यही बातें करिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसका क्लासिफिकेशन हिंदी में भी यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा हिंदी में, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगी तो फिर हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी तो आसान है। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, है ना, किसमें मोनोसेक्राइड्स, यहाँ मोनो होगा मोनोसेक्राइड्स, तो हिंदी में ही याद रखना है मोनोसेक्राइड्स ही याद रखना है, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। पॉली मतलब बताया था एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, है ना, पॉली मतलब कई, है ना, दो से ज़्यादा। मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज, ठीक है, ये मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ट्रायोज में कितना कार्बन होगा तीन कार्बन, टेट्रोज में कितना हो जाएगा चार कार्बन, है ना, पेंटोज में पाँच, हेक्सोज में छः और हेप्टोज में सात कार्बन का, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड्स होगा, ये सब जितना भी होगा ये सब क्या होगा मोनोसेक्राइड्स हैं। अब इसी मोनोसेक्राइड्स को, है ना, जैसे कि ट्रायोज है, ट्रायोज प्लस ट्रायोज कर देते हैं तो ये डायसेक्राइड्स बन जाएगा, है ना। अब इस डायसेक्राइड्स को क्या करेंगे, मान लीजिए ट्रायोज प्लस जैसे ग्लूकोज है, है ना, ग्लूकोज हेक्सोज में आता है, हेक्सोज के अंदर क्या आता है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मैंने लिखा यहाँ पे, है ना, प्रोडक्ट बना। अब इसको हम जो एक प्रोडक्ट बना इसको क्या होगा डायसेक्राइड्स हो गया, है ना। अब पॉलीसेक्राइड्स, तो पॉलीसेक्राइड्स और जोड़ दीजिए, एक ओलिगोसेक्राइड्स भी होता है, ओलिगोसेक्राइड्स, यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ ओलिगोसेक्राइड्स, एक ओलिगो ओलिगोसेक्राइड्स। इसमें क्या होगा दो से लेकर के, दो से मान लो दस तक, है ना, दो से दस तक, ठीक है, ये दो तीन चार पाँच दस तक मान लो, ठीक है, तो उसको ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे, ठीक है। डाइसेक्राइड्स की भी इसी में आ जाएगा, ओलिगोसेक्राइड्स में ही आ जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन जिस तरीके से रहेगा उस हिसाब से अपना बना लीजिएगा। डाइसैकेराइड से मतलब दो हो गया, अगर डाइसैकेराइड लिखा हुआ है दो, ट्राइसैकेराइड भी लिखा जा सकता है ना, टेट्रा भी लिख सकता है, पेंटा भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब किस में आ जाएगा, ओलिगोसैकेराइड्स में, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड्स में बहुत लंबा लंबा जो चैन होता है, ठीक है, बहुत लंबा लंबा चैन, ग्लूकोज का जोड़ दीजिए तो वो बन जाएगा पॉलीसैकेराइड्स, है ना। पॉली मतलब कई होता है, तो पॉलीसैकेराइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, एक हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स और दूसरा होमो पॉलीसैकेराइड्स। होमो मतलब सेम होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम। अब देखिए, जैसे जैसे ट्रायोज है, ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज है, हेक्सोज है, अब सिर्फ ग्लूकोज का एक लंबा चेन बन गया, ग्लूकोज का ही, तो वो क्या हो जाएगा, होमो पॉलीसैकेराइड्स, है ना। एक ही तरीके का जो है मोनोसैकेराइड से जो बना है, एक ही तरीके के मोनोसैकेराइड से बनेगा तो उसे बोलेंगे होमो पॉलीसैकेराइड्स, है ना, लंबा लंबा चेन बन जाएगा उसका। हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें तो वो डिफरेंट है ना, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, मैनोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस तरीके का जो एक चेन बनेगा, है ना, उस तरीके का जो सैकेराइड्स बनेगा तो उसके बोलते हैं हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स, है ना, डिफरेंट रिपीट्स, ठीक है। यहाँ पे सेम रिपीटिंग सैकेराइड्स हो जाएगा मोनोसैकेराइड, सेम रिपीटिंग मोनोसैकेराइड्स हो गया। इसका एग्जांपल हो गया होमो पॉलीसैकेराइड्स का, स्टार्च हो गया, है ना, काइटिन हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, और क्या, सेलुलोज हो गया। ये सब एग्जांपल किसका है, ये होमो पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है। हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स का पेप्टिडोग्लाइकेन, ये किसका एग्जांपल है, हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स का, लेकिन है क्या, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा क्या, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आणविक आकार पर आधारित वर्गीकरण, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, यहाँ पे डाइसैकेराइड्स इसी में आ जाएगा, डाइसैकेराइड्स। स्वाद के आधार पर, मीठा स्वाद, बिना मीठा स्वाद, मोनो एम ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, मीठा स्वाद में जो आएगा शर्करा जो होगा वो मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स आता है, लेकिन अशर्करा बिना मीठा वाला पॉलीसैकेराइड्स में आएगा, ठीक है। और तीसरा क्लासिफिकेशन है अपचाई और अनअपचाई शर्करा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग हो गया अपचाई, यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स के बारे में दिया हुआ, मोनोसैकेराइड्स इसका डिफिनेशन दिया हुआ, 20 प्रकार के ज्ञात हैं अभी तक, है ना, एल्डोज एवं कीटोज, ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ओलिगोसैकेराइड्स 2 से 100 तक, है ना, 2 से 100 तक यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोसैकेराइड्स देते हैं, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। पॉलीसैकेराइड्स जल अपघटन पर अनेक, बहुत सारे क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड्स देते हैं, स्वादहीन एवं जल में क्या होता है, अविलय होता है, जैसे सेलुलोज हो गया और क्या हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, तो ये सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, है ना, रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर इन लीनियर वे, एक लीनियर वे में जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि एल्डोज है, मैंने दो चीज़ बताया, एल्डोज बताया था और क्या बताया था, कीटोज बताया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी कीटोज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, एल्डोज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्डोज के बारे में। तो मैंने लिया है ट्रायोज, लिया है 3 कार्बन का, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है,
एक दो तीन कार्बन। अब एल्डोज है ना, एल्डिहाइड, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल, अल्कोहल है, देखिए परसेंट। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र मैंने बताया था, सी एच ओ, किस तरीके से लिखा था, सी ओ एच, इस तरीके से लिखेंगे, यही होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे कार्बन है, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, ये जो है यहाँ ओ लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन जोड़िए, और फिर तीसरा कार्बन जोड़िए, और सब में अल्कोहल होगा ही, अल्कोहल तो होगा ही, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो ठीक है, दो हाइड्रोजन मैंने सी एच टू ओ एच लिख दिया, यहाँ पे ओ एच लिखा और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, तो सभी कार्बन पे जो है अल्कोहल होगा, और एक कार्बन पे या तो एल्डोज होगा या फिर क्या होगा, कीटोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात किया है एल्डोज के बारे में, तो ये एल्डोज है, एल्डिहाइड है, ठीक है। ये देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल, मैंने बताया एक डिग्री अल्कोहल है ना, तो यहाँ इस कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन जो अल्कोहल जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, बीच का बताया था, तो इसको क्या बोलेंगे, टू डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये टू डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल है, ठीक है। अब देखें एक बात और यहाँ पे सीखें, ए सिमेट्रिक कार्बन, इसको कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है, ये यहाँ अल्कोहल है, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, चार बॉन्ड से जुड़ेगा, तो एक बॉन्ड पे क्या है, अल्कोहल हो गया, दूसरे पे क्या है, सी एच टू ओ एच हो गया, और तीसरे पे क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, और चौथा नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी अलग अलग कंपाउंड है ना, सभी अलग अलग एलिमेंट्स है या कंपाउंड जो भी है, सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है ना प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन एटम, ए सिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, ये याद रखिएगा, कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन का एटम क्या होता है, वैसा कार्बन एटम जो डिफरेंट, जो चारों बंधन जो है डिफरेंट है ना परमाणु से या अणु से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, कायरल कार्बन एटम, उस पर स्टार लगा दिया, ठीक है। तो इसमें कायरल कार्बन एटम की संख्या कितनी हो गई, एक, यहाँ पर आते हैं एक दो तीन, तो ये तो होगा नहीं, इसमें आते हैं तो फिर होगा नहीं, तो कायरल कार्बन एटम की संख्या एक, कितना हो गया, एक। कायरल कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है, बात समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, है ना, ट्रायोज तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसका नाम ट्रायोज थोड़ी है, ट्रायोज बोला गया है, ओज लगा, एस ई लगा, ओज लगता है, एज लगता है शुगर के लिए, है ना, और ट्राई का मतलब होता है थ्री, हाँ, तीन कार्बन वाला शुगर। तो इसका नाम क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने डी लगाया है और यहाँ पे एल लगाया है, ठीक है, ये डी और एल क्या है, है ना, एल्डोट्रायोज इसको नाम कह सकते हैं, एल्डोट्रायोज या ट्रायोज, है ना, लेकिन इसका मेन नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ये डी फॉर्म जो है, यहाँ पे देखिए, ये तो प्राइमरी कार्बन हो गया, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कार्बन है ना, टर्मिनल कार्बन का जो पहले वाला जो कार्बन है, उस कार्बन का OH देखिएगा, अगर ये OH दाहिनी तरफ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है डी फॉर्म है, किस फॉर्म में है, डी फॉर्म में। अगर यही OH आ जाएगा बाईं तरफ और हाइड्रोजन चल जाएगा इस तरफ दाहिनी तरफ, तो इसको बोलेंगे एल फॉर्म, है ना, जैसे OH जो है ना किस तरफ हो, LHS में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ अगर OH चला गया तो उसको कहेंगे एल फॉर्म। अगर ये OH जो है, ये वाला जो OH है, अगर हमारा दाहिनी तरफ रहे, है ना, RHS में राइट हैंड साइड में रहे, तो इसको बोलेंगे
डी फॉर्म। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो एल्डोज एल्डोज के बारे में बात किए थे, यहाँ पे कीटोज हैं, है ना। ट्राइओज लिया है तो कीटोज में जो है कार्बन सी ओ होता है, सी ओ। कीटोज का क्या होता है, कीटोन का सी ओ होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो एल्डिहाइड में मैंने सी एच ओ ऊपर में लगाया था, इसमें बीच में लगा रहा है, तो ऊपर करके देखिए अगर हो जाता है तो ठीक है, ये ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर में लगाइएगा तो उपाय ये नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ लगाया है दो नंबर पे, और यहाँ पे ही आएगा ऊपर से दूसरे नंबर पे ही कीटोन वाला का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है देखिए, ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल है ना। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब बात आती है क्या इस स्ट्रक्चर में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई कायरल कार्बन परमाणु है या एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक, ये दो, ये भी एक अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जो है सी एच टू ओ एच होगा, है ना, यहाँ पे सी एच टू ओ एच होगा, बस में मारा, सी एच टू ओ एच होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान दे लीजिएगा। तो ये दोनों भी एक ही से ग्रुप से जुड़ा हुआ, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, बाकी चौथा तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ एसिमेट्रिक कायरल कार्बन परमाणु नहीं बन रहा है, ठीक है, हाँ कायरल कार्बन परमाणु यहाँ पे नहीं, ये लिखा हुआ पॉइंट देख लीजिए, नो एसिमेट्रिक कायरल एसिमेट्रिक कार्बन, है ना। आगे बढ़ते हैं, टेट्रोज की बात करते हैं, है ना। अभी तो हम लोग ट्राइओज के बारे में बात किया, ट्राइओज यहाँ पे ट्राइओज के बारे में बात किया, है ना। तो ये ट्राइओज, ट्राइओज में क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड था। कीटोज एल्डोज में, कीटोज में बात किया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन था। अब हम लोग बात करते हैं टेट्रोज में, टेट्रोज में कितना कार्बन लेंगे हम लोग, चार कार्बन, है ना, फोर कार्बन। तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, यहाँ देखिए इस कार्बन पे अगर ओ एच दाहिनी तरफ है, राइट हैंड साइड में, राइट एच आर एच एस में है, राइट हैंड साइड में है, तो ये डी फॉर्म होगा, तो यहाँ लगा देंगे डी। और इसको बोलते हैं एरेथ्रोज, इसको क्या नाम है, एरेथ्रोज, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कीटोज के बारे में, देखिए सी अब यहाँ पे देखें, इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये ओ एच दाहिनी तरफ है, और इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो ओ एच है कहाँ है, बाईं तरफ है, है ना। तो अगर ये बाईं तरफ आ गया तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थ्रियोज। क्या बोलते हैं, थ्रियोज, बहुत कन्फ्यूजन वाला है ना। तो कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का भी तरीका है, हम लगे इसको याद करेंगे इरे, इसको याद करेंगे थर, ठीक है, इरे थर, इरी थर, हमको इसको याद करना है इरी थर, हो गया। टेट्रोज को याद करने के लिए कुछ नहीं याद रखना करना है, इसको याद करना है इरी थर, इरी थर, इरिस हो गया इरेथ्रोज, और थर से थ्रियोज, है ना। बाकी डी फॉर्म एल फॉर्म तो हम जानते हैं, है ना, यहाँ पे जो पेनल्टीमेट कार्बन है नीचे से, उसका अगर ये ओ एच हमारा दाहिना तरफ रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर्म, और ये बायां तरफ रहेगा तो एल फॉर्म। जनरली हम लोग डी फॉर्म के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है, एल फॉर्म के बारे में हम लोग का स्टडी भी नहीं करना है। तो बाकी आई कार्बन की बात, है ना, तो गिनती हम लोग ऊपर से करते हैं, ऊपर से 1 2 3 4, है ना। अब ये वन कार्बन है,
अगर दाहिनी तरफ होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे जीरो, उसको वो नहीं लिखना है। अगर बाईं तरफ होगा तो उसका नंबरिंग कर देंगे, याद कर लेंगे वहाँ से। कैसे याद करेंगे? जिससे मैंने बताया यहाँ पे इरी है ना, इरी ये कार्बन है, इरी और ये थर, मैंने याद किया ना इरी थर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरो जीरो। अगर मैंने जीरो लिख दिया इसका मतलब कि ये हो गया कि जितना भी अल्कोहल है वो सब दाहिनी तरफ है, बाएं तरफ एक भी अल्कोहल नहीं है। तो ये जो नंबरिंग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो समझिए कि अल्कोहल बाईं तरफ उस नंबर पे चला जाएगा, है ना। इरी होता है चार कार्बन वाले टेट्रोज में होता है इरी, है ना। इरी जीरो और थर, थर में कितना है टू, मैंने लिखा थर टू, इरी थर जीरो टू, मैंने क्या लिखा इरी थर जीरो टू। जीरो इरी इरी मैंने क्या हो गया जीरो, जीरो का मतलब हो गया कि बाएं तरफ अल्कोहल नहीं है, जो भी अल्कोहल है सभी दाहिने तरफ ही है। जब बात करते हैं थर के बारे में, तो थर में क्या लिखा है, मैंने टू लिखा, ठीक है। अब टू लिखा है तो इसका मतलब है कि थ्री ओज में दो नंबर का जो अल्कोहल है वो कहाँ होगा, बाईं तरफ होगा। थर में दो नंबर का जो अल्कोहल है यहाँ कहाँ है, बाईं तरफ है। तो हो गया इरी थर को याद हो गया ना, टेट्रोज को, टेट्रोज का जितना भी शुगर याद हो गया, दो शुगर इसमें बताया मैंने, क्या बताया इरी थर, इरी का मतलब हो गया इरेथ्रोज और थर का मतलब हो गया थ्रियोज। डी फॉर्म कैसे होता है हम लोग जानते हैं। बाकी आई ये अल्कोहल के बारे में, तो इरी जीरो टू है ना, तो जीरो का मतलब हो गया इरी इरेथ्रोज में अल्कोहल बाएं तरफ नहीं है, जो भी अल्कोहल है सभी दाहिनी तरफ है। और थर यानी थ्रियोज में जो भी अल्कोहल है वो कहाँ है, दाएं तरफ भी है और बाईं तरफ भी है, लेकिन दो मैंने इरी थर दो ने बताया, यहाँ लिखा दो, दो का मतलब क्या दो नंबर का जो अल्कोहल है वो कहाँ है, बाईं तरफ है। वही सब बातें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। डी एंड यहाँ पे लिखा डी और एल फॉर्म के बारे में बताया गया है, जो डी फॉर्म एंड एल फॉर्म क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ काइरल कार्बन अटैच्ड टू द टर्मिनल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। पेंटोज के अभी तीन कार्बन के बारे में चर्चा कर लिया, चार कार्बन के बारे में चर्चा कर गया, पांच कार्बन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पांच कार्बन वाला जो हमारा शुगर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ तो ऐसा ही होगा, इसको हम लोग अभी याद कर लेते हैं। जैसे राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज एंड लैक्सोज है ना, ये वन टू थ्री फोर चार शुगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सा, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लैक्सोज। किस तरीके से याद करेंगे इसके, यहाँ से याद करेंगे रिब अरे जाय लाय, रिब अरे जाय लाय, जीरो टू थ्री टू थ्री। किस तरीके से याद करेंगे, रिब अरे जाय लाय, जीरो टू थ्री है ना। यहाँ लिखा हुआ है रिब अर जाय लाय, जीरो टू थ्री टू थ्री। इसका मतलब हो गया जैसे कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव है ना, यहाँ तो सी एच टू ओ एच होगा, यहाँ सी एच ओ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, सी एच ओ होगा। अब रिब में जो है राइबोज में जितने भी अल्कोहल होगा सब दाहिने तरफ होगा। अर में, अर की बात करें तो दो नंबर पे जो है, एक नंबर दो नंबर पे जो है अल्कोहल कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, दो नंबर पे अरे का। जाय का तीन नंबर पे कहाँ होगा, इस तरफ होगा। और लाय में, लैक्सोज में दो नंबर और तीन नंबर पे अल्कोहल कहाँ होगा, बाएं तरफ होगा, दो नंबर पे भी और तीन नंबर पर भी, ठीक है। तो पेंटोज भी याद हो गया हमको, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज एंड लैक्सोज। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है राइबोज का, लैक्सोज का, ठीक है। देखिए रिब अरे जाय लाय, लाय का मैंने बताया जीरो जीरो टू थ्री ना,
रिप अरे जाय लाय है ना, लैक्सोज का, यानी कि दो नंबर और तीन नंबर वाला में कार्बन पे अल्कोहल कहाँ होगा, बाई तरफ होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए दो नंबर पे अल्कोहल और तीन नंबर पे अल्कोहल कहाँ है, बाई तरफ है। अब बाकी इसमें कितना है, सब जीरो है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ा था इरीथर 02 है ना, इरीथर 02 टेट्रोज में और पेंटोज में क्या पढ़ा है, रिब और जाय लाय 02323 है ना। हेक्सोज के बारे में बात करते हैं, हेक्सोज के बारे में नेक्स्ट क्लास में रहने दें, आज इतने ही रहने देते हैं।